पे डॉक्टर अनक्ष के बारे में सब पूछ रही है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग हो गई है और अभी 10 बज गए हैं, तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट सब हो गया है और मैं अभी फ्री हो गई थी और आधा सा लंच भी बन गया है, क्योंकि आज हमें 11 बजे जाना है डॉक्टर के पास नक्श को लेके, और आज नक्श का रूटीन चेकअप है और आज अपॉइंटमेंट है, तो हमें जाना है 11 बजे डॉक्टर के पास। और चलिए मिलते हैं हम लोग सीधा डायरेक्ट क्लिनिक पे। देखो सुबह सुबह आ गए हैं बर्ड्स, घूम रहे हैं टर्की। अभी नक्ष और चेतन दोनों चले गए पैसिफिक ओशन पे, क्योंकि नक्ष को भी थोड़ा सा घुमाना था, इसीलिए तो वो दोनों वहाँ पे गए हैं। लेकिन वो भी क्लिप में आपको दिखाओगी वीडियो में कि नक्ष वहाँ पे क्या कर रहा है पैसिफिक ओशन पे, और उसको तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है पानी के साथ खेलना, और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, डोगी होता है, वो उन सब लोगों को देखता है, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। फाइनली अभी हम जा रहे हैं कीवी पे नक्ष को लेके, और वो अभी हैप्पी है। देखते हैं कि वो नक्ष डॉक्टर के पास जाता है या डॉक्टर नक्ष के पास आते हैं। लेटेस्ट प्राइस है कीवी पे, और अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो बाहर आएंगे और हमसे बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, क्लिनिक के बाहर कितने सारे फ्लावर्स है, वो भी बहुत ही अलग अलग है और अलग अलग वेराइटी में फ्लावर्स दिख रही है आपको, मैं दिखा रही हूँ। देखो कितने सारे फ्लावर्स है, और पूरा का पूरा यहाँ पे वो ग्रीनरी वाला माहौल बना दिया है, और यहाँ पे कई बार बच्चे भी खेलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और काफ़ी स्पेशियस है जगह। डॉक्टर नक्ष के बारे में सब पूछ रही है एलिजाबेथ, नक्ष के स्पेशल डॉक्टर है। कर लाए हैं नक्ष के लिए डॉक्टर, और यहाँ पे बेबी रो रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो सो मैंने अपने पॉकेट में रख लिया है। सी सी
बहुत ही धूप है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आज इतना ज़्यादा वो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम जा रहे हैं घर। अभी हमारा लंच हो गया है और नक्श सो गया है अभी, और हम लोग क्लिनिक से वापस आ गए थे। उसके बाद मैंने घर पे थोड़ा सा खाना बनाया, रोटी बनाना बाकी था और सब कुछ बना के गए थे, तो वापस आकर लंच कर लिया। चेतन चले गए लेब और नक्श सो गया है, और अभी मैं फ्री हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, जो बात कर रही हूँ वो है डॉक्टर के बारे में और नक्श के बारे में। क्यों, जो आज हमारा अपॉइंटमेंट था वो था, नक्श का नॉर्मल अपॉइंटमेंट था, और उसमें हम लोगों को इसलिए बुलाया गया था क्लिनिक पे कि नक्श का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो सब देखने के लिए। तो जी रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आई है और नक्श का डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो इस बार का रिपोर्ट बहुत ही सुपर आया है। और काफ़ी बच्चों की कंपेयर में अगर देखा जाए तो नक्श का रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है अभी उसका, और डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छा हो रहा है उनका। सो मैं वही बात आपको बता रही हूँ अभी कि जो आज हम लोगों को डॉक्टर ने यही फॉर्म दिया था फिलअप करने के लिए, और इसमें जो सारी बातें बताई वो सब नक्श कर रहा है। कि डॉक्टर पूछ रहे थे कि आपका बेबी क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है और कौन से वर्ड वो जल्दी से बोल सकता है, कौन सा वर्ड वो नहीं बोल सकता है, वो सारी बातें वो डॉक्टर हमको बता रहे थे। और जैसे जैसे वो हमारे साथ बात कर रहे थे वैसे वैसे हम उनके साथ भी आंसर दे रहे थे। और मैंने आगे वीडियो में आपको क्लिप दिखाई थी कि डॉक्टर हमारे साथ कैसे बात कर रहे थे, तो वो सब मैं आपको दिखाया है मैंने मेरे वीडियो में कि यहाँ अगर US में देखा जाए तो डॉक्टर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बहुत ही फ्रेंडली, यानी कि वो हमारे ही फैमिली के मेंबर है, ऐसे ही बात कर रही थी डॉक्टर। सो वो देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और मैंने सोचा कि मैं आज वो सब आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, तो वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हाँ फ्रेंड्स, तो आपने जैसे देखा होगा वीडियो में कि डॉक्टर खुद बाहर आए थे, उनकी वो ऑफिस से बाहर आए थे, और वैसे इसलिए बाहर आए थे कि नक्श का ऐसा है कि वो डॉक्टर को देख के बहुत ही रो रहा था, और वो क्लिनिक के अंदर नहीं जाता है, तो हर बार खुद डॉक्टर ही जो मैंने दिखाया है वो डॉक्टर वो है एलिजाबेथ, और वो हर बार वो अपना ऑफिस छोड़ के बाहर हमारे साथ वो वॉक करते करते बात करती है और नक्श के बारे में सब कुछ पूछते हैं हमको, और जो भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम उसको पूछते हैं और वो हमें बताती है जो भी उसका सॉल्यूशन है वही सब। हाँ तो फ्रेंड, मैं वही आपके साथ एक बात शेयर कर रही हूँ कि यहाँ के डॉक्टर है ना वो बहुत ही फैमिलियर है हमारे साथ, जैसे कि अगर बच्चा उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा है तो वो खुद डॉक्टर, चाहे वो कितने भी बड़े डॉक्टर हो, वो खुद हमारे हिसाब से यहाँ पे यानी कि बच्चे के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्लिनिक के बाहर नहीं आते हैं और बच्चे को अंदर हमको ले जाना पड़ता है, चाहे वो कितना भी रो रहा है, वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं है उस जगह पे फिर भी। और यहाँ पे मैंने ये बात नोटिस किया है, भाई जब से आई हूँ तब से लेकर जब से मैं इंडिया छोड़ के US में आई हूँ तब से लेकर हमारा यही डॉक्टर है, और इस बार नहीं हर बार नक्श का ऐसा होता है कि वो डॉक्टर को देख के बहुत ही रो रहा है और अंदर नहीं जा रहा है, तो खुद जो भी सिस्टर है वो जो कुछ भी उनको टेस्ट लेना है या फिर ब्लड का सैंपल लेना है तो वो सिस्टर भी खुद बाहर आते हैं और डॉक्टर भी खुद बाहर आते हैं। तो मुझे देख कर बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं, यहाँ के डॉक्टर में ना बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, उनमें ना कोई घमंड है ना कोई और है, और वो हमारे साथ जैसे बात करते हैं तो जैसे ही मतलब कोई हमारा फैमिली मेंबर है, जो हमारा क्लोज का मेंबर है, वैसे ही हमारे साथ वो पेश आते हैं। वो बहुत देख के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि ये सब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो फ्रेंड, मैं वही सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी, और मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि नक्श वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं था, तो फिर डॉक्टर खुद ही बाहर आ गई हमारे साथ। और इस बार नहीं, हर बार हमारा जब हर मंथ हमारा जब मंथली अपॉइंटमेंट होता है तो डॉक्टर ऐसे ही हमारे साथ आते हैं बाहर गार्डन में, चलते वॉक करते करते वो हमारे साथ बात शेयर करते हैं, और वो कोई उनके पास नई बात है तो वो हमें बताते हैं कि बच्चे के साथ ऐसे करना है, ऐसे रहने से आपका बच्चा फैमिलियर होता है, ऐसा करना है आपको, वो सब बातें डॉक्टर हमारे साथ शेयर करती है, और हमें सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा मुझे लगता है नक्श को देखकर, क्योंकि वो हर बार बहुत ज़्यादा रोता है, इस बार वो बहुत थोड़ा कम रोया था, तो इस हिसाब से देख लगता है कि नक्श
कुछ टाइम में उसका भी ठीक हो जाएगा, कि डॉक्टर के साथ उनका जो डर है वो सब क्लियर हो जाएगा। और आपने मेरी क्लिप में भी वीडियो में देखा होगा कि जैसे ही डॉक्टर आए, उन्होंने वो नक्श के लिए अलग से वो स्टिकर लेकर आए और कुछ फ्लावर्स लाए नक्श के लिए, कि वो बच्चा उनके साथ बात करे, उनके साथ कुछ शेयर करे। लेकिन नक्श अभी डर रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा उनका भी। दूसरी बात ये मैं आपको बता रही हूँ कि आज हमारा अपॉइंटमेंट था 11 बजे का, और नक्श और हम लोग वहाँ पे नक्श को लेकर पहुँच गए थे, लेकिन नक्श रो रहा था। तो उसको हमने कार में बिठाया था और मैं बाहर इधर उधर देख रही थी सब, और डॉक्टर का वेट कर रही थी। तो डॉक्टर को थोड़ा काम था ऑफिस में, तो उनको थोड़ा सा ही लेट हुआ था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ऑफिस छोड़ के बाहर आए, मुझे मिले और तुरंत उन्होंने सबसे पहले मुझे सॉरी बोला कि आई एम सॉरी आप लोगों को मेरी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। लेकिन ये बात सोच के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो खुद इतने बड़े डॉक्टर होकर भी मुझे सॉरी बोल रहे हैं कि नहीं मुझे आप लोगों को मेरी वजह से वेट करना पड़ा। अरे वह इतने अच्छे डॉक्टर ना USA में मिल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस है, तो हमारा हर विजिट पे $10 ही लगते हैं, फिर जो कुछ भी है उसमें से वो सब इंश्योरेंस ही पे करता है, हमें कुछ नहीं पे करना पड़ता है। हमें सिर्फ हर विजिट के $10 ही पे करने हैं, बाकी सब कुछ हमारा इंश्योरेंस देखता है। तो ये सब बातें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। एक मैं दूसरा भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ कि इसके पहले भी जब हमारे नक्श का जो बॉडी चेकअप हुआ था क्लिनिक पे, तो उसमें ना ऐसा आया था कि नक्श को आयरन की कमी है। तो फिर डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया कि आप नक्श को फिश खिलाएं, तो मैंने तो एकदम से ही मना कर दिया कि भाई कि नहीं, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे लिए तो वो मतलब बहुत ही दूर की बात है कि उसको खिलाना पिलाना वो सब। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जो आपको सजेस्ट कर रही हूँ वो आयरन की फ़िश है, जो कि ये आयरन की फ़िश है। जिन जिन बच्चों को आयरन की कमी होती है, उन सब बच्चों को डॉक्टर यही आयरन की फ़िश सजेस्ट करते हैं। जो इनका यूज़ कैसे करना है, जैसे मैं दाल चावल बना रही हूँ, तो उसी चीज़ जिसमें जैसे चावल बना रही हूँ उसमें ना इस फिश को डाल देना है 10-15 मिनट के लिए, फिर इसको निकाल देना है। जो ये आयरन की फ़िश है, ये नॉन वेजिटेरियन फ़िश नहीं है, सो इसको तो हम खिला सकते हैं बेबी को। जो कोई भी इसके लिए फूड बना रही है, हम अलग से इसमें इनको डाल देना है 10-15 मिनट के बाद। इसको बाहर काटने के बाद इसको धोकर वापस फ्रिज में रख देना है, ताकि इनके ऊपर ना वो काट ना लगे। तो फिर डॉक्टर ने हमको ये फ़िश सजेस्ट किया था, फिर हमने ये फ़िश अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, और ये फ़िश हमको आई थी $45 में। सो ये भी मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये फ़िश ये जो कुछ भी चीज़ें बनाती थे हम नक्श के लिए, उनमें ना इसको इस फिश को हम इन्वॉल्व कर देते थे। जैसे मैं इनके लिए राइस बना रही हूँ, तो राइस के बाउल में इसको डाल देती थी, 10-15 मिनट के बाद इसको निकाल देते थे। और फिर इसके बाद इसका यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिला, और जो नक्श को आयरन की कमी थी वो सब ख़त्म हो गई, और अभी उनका पूरा बॉडी बहुत अच्छे से है और कोई विटामिन की कमी भी नहीं है। और इस बार का रिपोर्ट बहुत ही सुपर आया है, तो डॉक्टर भी खुश थे। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा डर रहा है, और काफ़ी नक्श फेमिलियर नहीं है इतना ज़्यादा सब लोगों के साथ, लेकिन वो थोड़े से टाइम में वो भी ठीक हो जाएगा। आपने जैसे देखा कि हम लोग जब भी नक्श को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो हम सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है US में। और आप किसी भी कंट्री में रहते हो, तो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना है, उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है स्पेशली डॉक्टर के पास, क्योंकि वो लोग उनका शेड्यूल पहले से ही बना होता है कि इन लोगों के पास आज इतने लोगों की अपॉइंटमेंट है, तो उसी लोगों को वो कंसल्ट करते हैं। उसके बाद जिन लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, उन लोगों को देखते हैं। आपको कोई इमरजेंसी है, तो आपको इमरजेंसी में भी आपको कॉल पे बात करनी है या फिर अपॉइंटमेंट बुक करनी है। लेकिन आप जब भी चाहे डॉक्टर के पास, तो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट ही बुक करना है, उसके बाद आपको आपकी विजिट होती है डॉक्टर के साथ, और वो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पे US में ना सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, और डॉक्टर भी बिजी होता है उसके शेड्यूल में, और उस हिसाब से हमें भी चलना पड़ता है, और हमारा भी काम होता है, तो हम उस काम को भी नहीं छोड़ सकते बीच में। तो ना हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उस टाइम पे हम चले जाते हैं। अगर आपका अपॉइंटमेंट है और आप लेट हो गई हो, तो कई बार डॉक्टर आपकी अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरे पेशेंट भी होते हैं देखने के लिए। तो ये सब ना यहाँ पे US में बहुत ही
टाइम टू टाइम चल रहा है भाई। रूल्स यानी रूल्स, आपको अपॉइंटमेंट अगर 11 बजे है तो आपको 11 बजे पहुंचना ही पड़ता है, चाहे आपके पास दूसरे कितने भी काम हो, लेकिन आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट के टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है US में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।